बाकी हूँ तुम बैतुल लतीफ जरा जी वो तुम्हारा बंद हो गया उत्थे तेन जाने की लड़ नहीं हूँ काम सिर्फ तुम एक जगह करना माशा तुम अगे भी तीन काम छड़े ने बैतुल लतीफ का मुआशका अलग गया फिर उसका जरा काम है इलमी काम जरा जी वो अलग गया फिर उसके बाद दुकान भी खोली हुई है मैं कितने कितने जाओगे ए जवानी की उम्र है एक थोड़ा जहा अपने आप को महदूद रखो वरना सलाई तो जया हो जाएगी हो गया भी माशा मेरी गल तो नहीं अगे चली गई कोई पता नहीं चलो ठीक है लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये किताब तौहीद जो है कल एक चीज़ रह गई थी तिबर अल मशरिक की तशरीह मैं उसकी करता हूँ मैंने वो करनी है लेकिन उससे पहले दो चीज़ें और रही हुई हैं तो मेरा ख्याल ये है कि वो दो चीज़ें जो और रही हुई हैं ना मैं आपको उनकी भी वजाहत कर दूँ इसलिए कि फिर बाद में तो भूली जाएंगी उनमें जो है वो एक मसला तो ये है कि ये बात आई थी कि मसला एक तस्वीर आया था और मैंने आपको कहा था कि इसके मुतालिक आपको मैं बताऊंगा लेकिन मैंने आपको बात मुख्तसर कहनी है बाकी अब आप देखिए उसको मुताला करके मेहनत करके जहाँ तक मसला तस्वीर वाली हदीस है ना ये आई है वल्लाहु खलकुकुम वमा तअमलून के बाब के तहत जिसमें ये है कि इंसानों के जितने भी काम हैं वो सब अल्लाह की मखलूक है इंसान ख़ुद भी अल्लाह की मखलूक है और इंसानों के जो आमाल हैं वो भी उन आमाल में एक अमल ऐसा है जो अल्लाह की तखलीक से मुशाबत है मुशाबे है और वो क्या है तस्वीर और ये भी आपको बताऊं कि मुशाबे होने की तो कोई बात नहीं है अगर आप वैसे तो खरा ही हदीस सही नहीं है तखल्लुकु बिअखलाकिल्लाह लेकिन अगर आप अल्लाह ताला की जो खूबियां हैं जो अगर आप उनके मुताबिक जो है वो ख़ुद मेहनत करें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है अगर तो कुछ जो अल्लाह के ख़ास सिफात हैं तकब्बुर हो गया आज़मत हो गई इसी तरह ये चीज़ें तो खैर जायज़ नहीं हैं तो इसलिए लेकिन वैसे अल्लाह ताला एक आला शख्सियत हैं इस एतबार से लेकिन मैं असल जो मसला है वो क्या है इसके अंदर तस्वीर के अंदर जो इश्काल पैदा होता है वो ये है कि ये जो बात मुशाबत की जाती है क्योंकि तस्वीर की हुरमत इससे पैदा हुई कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो नेक लोग थे उनकी शक्लें जो है वो बना दी गई उस पर पत्थरों पर या किसी और चीज़ पर असल में पत्थर की कोई ये वो जो इसे कहते हैं तनकीहुल मनात यानी ये तलाश करो कि असल मौसर चीज़ क्या है मौसर क्या है इसको बोलते हैं तनकी तो तनकी में अगर देखा जाए तो अब सूरत यह है कि उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने उन नेक लोगों की शक्लें जो है ना वो बनाकर चीज़ों पर जो है वो मतलब है उनको वही काम उन शुरू कर दिया जो अल्लाह से जो है वो होना चाहिए इसलिए शिर्क बन गया लेकिन एक आप देखिए कि हज़रत सुलेमान के लिए तीन साल जायज़ क्यों हो गए थे आखिर सुलेमान भी तो बनी इसराइल के अच्छा और फिर रसूल भी नहीं है मतलब यह कि ये पूरा जो इसराइल का जो याकूब का जो असल में उसी के मतहत है ये तमाम के तमाम अंबिया जितने भी हैं तो अब सूरत यह है कि इसकी वजह हुरमत क्या है वजह हुरमत के बारे में आम लोगों का ये ज़हन है कि वजह हुरमत जो है वो ये है कि अल्लाह की मुशाबत इख्तियार तो की है इंसान ने लेकिन इंसान जो है वो इसमें जान नहीं डाल सकता तो इससे उन्होंने ये निकाला है कि जो
जानदार चीज़ें हैं ना, उनकी तस्वीर हराम है। ये यानी दलील है हमारे एक दौर में, ये उसकी दलील थी। अच्छा, हमारे हाँ चूँकि अब वो इस्तिंबात का जो मलका है या इस्तिंबात के जो उसूल और उलूम हैं वो तो बिल्कुल जाते रहे, इसलिए कि कुछ लोग तो वैसे ही तकलीद जामद का शिकार हैं, और माशाल्लाह जो दूसरे हैं जो तकलीद के ख़िलाफ़ थे उन्होंने जो है वो फ़िरका बंदी के नाम पर जो है वो फ़िरका बना बना कर अपने आप को पक्का कर कर के जो है बिल्कुल अक्ल बसीरत से जाते रहे। असल ये चीज़ देखने वाली है कि इसकी हैसियत क्या है। ये जो हम कह रहे हैं ना कि तस्वीर की बजाय हुरमत क्या है। अच्छा, वो हम ये मान लेते हैं कि बजाय हुरमत जो है, जो सबसे बड़ी बजाय हुरमत है ना, वो है असल में मुशाबत, मुशाबत खल्किल्ला। और अल्लाह के साथ जो है वो अल्लाह का जो बड़ा काम है ना, जो कोई इंसान नहीं कर सकता। कहने को तो और तो चीज़ें बड़ी बना लेते हैं। अब आप देखिए कि जितने बड़े बड़े दुनिया के लीडर हैं, वो जो मैडम शाद का जो अजायब घर है लंदन के अंदर, आप हैरान होंगे। आपने नहीं देखा, मैंने देखा है उसको। यानी यूँ मालूम होता है जैसे आप बैठे हुए मेरे साथ बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे हैं, आँखें चपकते हैं, ऐसे मालूम होता है जैसे गुफ्तगू कर रहे हैं। शक्लें ऐसी बनाई हुई हैं, उसके अंदर जितने भी मारूफ, हती कि मोहम्मद अली जना कायद आजम जिन्हें कहते हैं, उनका भी है मुजस्मा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि असल जो बुनियादी वजह है वो है मुशाबत। लेकिन खुद मुशाबत क्या इल्लत है, क्या इल्लत है वो? क्योंकि इल्लत जो होती है वो एक दाखिली चीज़ होती है। यानी बहुत सी चीज़ें हुरमत की बजाय एक तो होती है कि सराहत आ जाए कि ये चीज़ हराम है, और एक होता है कि सराहत ना आए लेकिन वो जो वजह है उसकी वो वाजे हो कि भाई इसकी वजह ये है। और अगर वो वजह पैदा हो जाए तो फिर भी यानी उसको इमाम शाफी अपनी ज़ुबान में कहते हैं दलालत, दलालत और इससे दलालत। दलालत ये होती है कि उस कलाम के अंदर वजह इल्लत मौजूद हो, और इससे दलाल ये होता है कि वो कोई और मुज्तहिद जो है वो गौर व फिक्र करके उसको तलाश करें, उसको इस्तदलाल कहते हैं। ये तो आगे लंबी बात है। असल जो बात है सारी वो ये है कि मुशाबत इल्लत है। अच्छा, इल्लत के अलावा एक और चीज़ है। आम तौर पर हम लोग जब उसूल फिका भी पढ़ते हैं ना, कमी असल में ये रह जाती है कि उस्ताद चूँकि मेहनत नहीं करते, ख़ुद तलबा भी शौक़ नहीं करते, इस वजह से ये बारीक बारीक जो फ़र्क है ना उनको समझ नहीं आते। एक लफ्ज़ और है, उसको बोलते हैं सद्द ज़रिया। सद्द ज़रिया जो है ये भी एक रुकावट है बुराई की तरफ ले जाने वाली चीज़, और इल्लत भी अगर कोई बुराई की तरफ ले जाने वाली इल्लत होगी वो चीज़ भी हराम होगी। लेकिन अगर सद्द ज़रिया के तौर पर जो है वो एक चीज़ हराम हो, मिसाल तौर पर अब हिजाब है, हिजाब जो है ये सद्द ज़रिया है। यानी मतलब यह है कि ये असल में वो ज़राए हैं जो बुराई तक पहुंचा देते हैं, लेकिन हिजाब इल्लत नहीं है। इल्लत का और सद्द ज़रिया का फ़र्क क्या है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो मसला आपके लिए आसान हो जाएगा। इल्लत हो एक दाखिली चीज़ है, मतलब है कि वो जो चीज़ है ना उसके अंदर वो मौजूद होती है। सद्द ज़रिया दाखिली चीज़ नहीं होती, वो एक खारजी चीज़ है और खारिज से आकर जो है वो हायल होती है। देखें हिजाब, हिजाब बदकारी का हिस्सा नहीं है, ये एक खारजी चीज़ है। जब खलबत में होते हैं तो उससे सबसे पहले तो पैदा होता है वही इश्क, अंधापन पैदा होता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जब चीज़ पैदा हो जाती है फिर उसके बाद ये बीमारी होती है। कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए जो पर्दा है ये सद्द ज़रिया है, लेकिन इल्लत जो है वो असल में उसका दाखिली हिस्सा होती है। यानी वो वजह उसके अंदर मौजूद होती है, खा उसे मुज्तहिद वहाँ से समझ कर जो है वो उसको निकाले, वो तो खाली उसका इज्तिहाद होता है। अब सूरत यह है कि
क्या ये जो मुशाबत है जिससे जो है ख़तरा शिर्क का पैदा होता है, ये सद जरिए है कह लेते हैं। मैंने ये चीज़ वैसे जो है वो अपने खिताब में जो हमारा तस्वीर नंबर है वहाँ बयान की थी, लेकिन चूँकि सामीन इल्म वाले नहीं थे तो इसलिए मैंने फिर इसको ज़्यादा वहाँ तफसील नहीं दी थी, तो इसीलिए बहुत से लोग नहीं समझ सके। इसलिए कि ये उसूल का मसला जो है ना, उसूल बड़ी गहरी चीज़ें हैं। चूँकि मैंने जिन बुज़ुर्गों से असल में फ़ायद हासिल किया है, अपने वालिद साहब से और अपने ताया जान से, तो मेरी सूरत हाल ये थी कि मैंने जो उनसे सीखा वो सीखा ये है कि इनका फ़र्क क्या है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा मसला मेरे लिए पैदा हो गया, कि हाल और तमीज़ का फ़र्क क्या होता है। वो एक काफ़िए की एक इबारत है कि ज़ैदुन अबू का ज़ैद तेरा बाप है, अतूफ़न जो है ये हाल है कि तमीज़ है। ये मैंने सबक पढ़ाना था, लेकिन जब तक मेरा ज़हन ना खुले मैं पढ़ा नहीं सकता था। मैंने शरह जामी भी देखी, उसके हवाशी और उसकी शुरुआत भी देखी, मेरा ज़हन नहीं खुल रहा था। मैंने आप अब्दुल्ला साहब रोपड़ी को बेचारे जा रहे थे नमाज असर की पढ़कर, और उन्हें जल्दी होती थी वहाँ, बहुत से इंतज़ार करने वाली बैठियाँ होती थी तावीज़ों के लिए। तो मुझे कहते मुझे पूछो तुम्हारी ऐसा इश्काल किया, मैं तो मीदे बांध रहा था, दो लफ्ज़ ऐसे बोल गया कि मेरा जहन खुल गया। फिर अब मैं आपसे पूछता हूँ, आम लोगों से मैं पूछता हूँ, आप बताइए कि वस्फ का और हाल का क्या फ़र्क है। चलिए जी आप बताइए। वस्फ जो होता है वो अभी होता है, और हाल जो होता है वो एक चीज़ होती है। वस्फ अबदी नहीं होता, अबदी होना उसका लाजमी नहीं है। हाल चीज़ होती है, नहीं नहीं चलिए आपने एक पहलू बयान कर दिया, शुक्र है कि तमाम के तमाम गूंगे नहीं आप। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ असल पता क्या है, जो फेल अंजाम दिया जाता है उस फेल के वक्त जो हालत होती है उसको हाल कहते हैं, और जो उस फेल के बगैर जो हालत होती है उसको बस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपने वालिद साहब से समझी हुई हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में थे और उनको हर वक्त यही फिक्र थी कि किसी तरह मुझे सिखा दें। तो इस वजह से अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सदे कि ये जो मुशाबत है जिसकी वजह से शिर्क का ये ज़रिया बनती है, ये असल में इल्लत नहीं है, ये सदे ज़रिया है। और इस सदे ज़रिया जो है वो मसरत के ताबे होता है, उसको मसलत देखकर जो है वो मिसाल तौर पर अगर मसलत हो, अब आप देखिए कि अगर बच्चियों को जो है वो सीना परोना सिखाना हो उनके लिए गुड़ियाँ जायज हैं, हत्ता कि हज़रत आयशा का वो परों वाला घोड़ा अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं कहा कि नहीं ये नाजायज है। ज़रा सी बुनियाद पर अब देखिए एक वजह पैदा हो गई कि एक आदमी जो है अपने तशख्स के सिलसिले में धोखा ना दे, शनाख्ती कार्ड का मसला पैदा हो गया, जायज़ हो गई। तो असल में बात यह कि ये असल में मसलत का मुकाबला है, मसलत अगर कमज़ोर होगी तो हराम होगी, नहीं मसलत अगर यानी इसकी हुरमत के लिए कभी होगी मसलत तो हराम होगी, और अगर दूसरी तरफ मसलत कभी होगी तो हलाल हो जाएगी। अब इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब दुनिया पूरी की पूरी जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जो है वो अपनी गंदगी फैला रही है। आप पहनिए तो सारी आराम है, आप इसी वक्त जो है वो इसमें ही उलझ जाएं। अब आपके हर आदमी के मोबाइल में तकरीबन हर आदमी के जिसको भी थोड़ी बहुत इस्तेदाद मौजूद है, बल्कि मैं तो कहता हूँ गरीब लोगों ने भी वो मोबाइल खरीदियों में तस्वीर उतरती है। तो अब हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, अब आप जो है वो हुरमत का फतवा दे दीजिए कि मोबाइल सारे के सारे आराम है, लोग आपसे क्या कहेंगे। असल में बात यह कि शरीयत हमारी सलाहियतों की तातील की कायल नहीं है, शरीयत हमारी सलाहियतों को जो है वो तरबियत देती है, फ़रोग देती है। लेकिन एक सूरत है कि मसलत के ताबे, मसलत अगर कभी होगी, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो वो तस्वीर है जो बाकायदा
किसी पत्थर पर या लकड़ पर या किसी भी चीज़ पर जो है वो असल हुरमत है। वजह जो हुरमत है वो शक्ल है, शक्ल। अच्छा दूसरी बात एक और है कि वो शक्ल जो है ये बाकी रहे, बाकी रहने वाली। अब इसीलिए आप आईना के सामने खड़े हो जाएं, जब आईना नहीं था तो आप जो गहरा पानी है उसके सामने खड़े हों, आपकी तस्वीर आ रही है, क्या ये हराम है? उसको तस्वीर नहीं कहते, उसको बोलते हैं अक्स। लेकिन जब वो पायदार बन जाती है तो फिर वो तस्वीर होती है। अक्स इसलिए कहते हैं कि जब आप जब तक मौजूद है उस वक्त तक आपका उल्ट आ रहा है, अक्स के माने उल्ट के हैं, उस वक्त तक वो अक्स है और वो तो हराम है ही नहीं, लेकिन जब ये पायदार हो जाएगी तो तस्वीर हो जाएगी। ये जो मसला है ना, खा वो मोहम्मद सालेह उसैमी ने कह दिया हो कि जी ये तो फ़ोटो खींची जाती है, बनाई नहीं जाती, मेरे ख्याल में नहीं। असल में बात यह है कि वजह हुरमत को जो है वो अहमियत देनी चाहिए। वजह हुरमत जो है वो ये है कि तस्वीर के बारे में जो है वो एहतियात की ज़रूरत है। यही वजह है कि तस्वीरें घरों में रखना और तस्वीरों को सजाना ये मुस्तकिल तौर पर हराम है। लेकिन अब यह है कि तस्वीरों का ऐसे इस्तेमाल करना जिससे जो है वो आप दावती काम कर सकें, आप जो है वो तबलीग का काम कर सकें, इस्लाम को फैलाने का काम कर सकें, दुनिया सारी जो है वो कहीं कहीं पहुंच गई हो और अभी आप उलझे हुए होंगे जी हराम है कहला। तो मैंने आपको ये बताया है कि चूँकि जो सदा जरिया है वो एक खारजी चीज़ होती है और वो मसरत के ताबे होती है, इस एतबार से तस्वीर जो है वो थोड़ी सी मसरत पैदा हो तो हलाल हो सकती है। है ये मसला सारे का सारा वही इस्तिंबात का उसूल। अब जिसने उसूल फिका जो है उसका जिसको इजरा ना हो वो तो ये बात मुश्किल है उसके लिए। मुझे अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी मेरे ऊपर की हुई है कि मुझे उसूल फिका वगैरह इन उसूलों से दिलचस्पी थी, इसलिए मैं सारी ज़िंदगी मैं यही काम ही करता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ इस तरह सदे ज़रिया के तौर पर हराम होना, वो अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि उसका जो मसलत है वो ज़्यादा कवी हो जाए। अब मिसाल के तौर पर आपने तबलीग करनी है तो तबलीग के सिलसिले में जो है वो आप इन चीज़ों से काम लेते हैं, तो अब आप इस मसले में ना पड़िए। तस्वीर जो है उसकी कबाहत जो है वो अब कमतर हो गई है, अगरचे वो चीज़ बाकी रहेगी कि वो तस्वीर की वजह से जो अजमत उसकी अजमत है उसकी इज़्ज़त और मकाम है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दों में जो तस्वीर थी ना उनको तो हराम करार दिया, बाद में जब उनके गद्दे बना लिए गए तो उसका जायज़ कर लिए। हफ्तुल्ला मुहद्दस रोपड़ी ने असल में इसको मुदार बनाया है, हर एक ने अपनी तजवीज़ के मुताबिक है, लेकिन मेरा जो मौक़िफ़ है वो आप ज़रा समझ लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे पहली बात थी। अच्छा एक और भी बताऊँ, एक मसला है जो उसको हीले की तो हम हुरमत के कायल हैं, लेकिन हीले की एक किस्म ऐसी है जो जायज़ है, और भी कई किस्में हैं जिसमें मकासिद शरीयत जो है वो मजरूर ना हो, लेकिन एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसको बोलते हैं मसला ज़फ़र। मसला ज़फ़र ये होता है कि एक आदमी ने जो है वो किसी तरह आपका माल जो है वो उसने कब्ज़े में कर लिया है, देता नहीं, या एक आदमी जो है वो आपका माल छीन रहा है, अपने माल को बचाने के लिए क्या आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? एक आदमी ने आपका माल जो है वो छीन लिया है, आपकी वो कीमती चीज़ छीन ली है, आप उसके साथ जो है वो कोई ऐसी सूरत इख्तियार कर सकते हैं जिससे आपकी चीज़ वापस मिल जाए? मैं आपको इसके लिए एक मिसाल दे देता हूँ। इसके लिए मिसाल ये है कि एक आदमी ने ऐसा किया कि वैसे वाकया तो मुझे भी पूरा याद नहीं, लेकिन वैसे ये किताबों में हमारी स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा हुआ था कि एक आदमी ने किसी के पास कर्ज रखा, तो जब वो वापस आया काफ़ी अरसे के बाद, अमानत रखी, कर्ज नहीं अमानत रखी,
अमानत अखीब काफ़ी अर्से के बाद वापस आया तो उसने कहा जी वो तो अमानत चोर ले गए, वो बेचारा चुप हो गया। ऐसा इस्तेफाक बना कि एक दिन जो जिस आदमी ने उसके साथ ये हरकत की थी ना, उसका बेटा जो है वो इसके साथ था, क्योंकि ताल्लुकात तो थे, इसने हौसले से सब्र कर लिया, ताल्लुकात तो थे। अब वो जो इसके साथ बेटा था ना, इसने बेटे को गायब कर दिया, तो उसने कहा कि जी मेरा बेटा किधर है, उसे तो बाज आया था, उकाब आया था, वो ले गया। अब उसने ये कैसे हो सकता है, उसने कहा अगर कोई माल जो है वो चोर डाकू ले जा सकते हैं तो ये भी कौन सा नामुमकिन है, उकाब तो बड़े बड़े काम करता है। तो वो समझ गया, उसने कहा अल्लाह तो हाथ जोड़ कर कहता है वो उकाब से वापस ले आए मेरा बेटा, मेरा बा ये माल ले लें, ये जायज़ है कि नहीं, इसको अगर ये काम किया जाए इसको बोलते हैं मसला ज़फ़र, ये हीले की एक किस्म है। अब मसला ज़फ़र ये जो हमारे यहाँ होता है ना कि अगर रिश्वत के बगैर कोई काम होता ही ना हो, रिश्वत जो है वो रवाज बन गया हो, अब आप किसी अदालत में जाएँ नहीं, अगर आप उसको जो है वो आजकल तो खैर रेट बढ़ गया हुआ है, पहले तो खैर 5-10 रुपए में काम होता था, अब आप आजकल तो 100 का नोट 1 रुपए के बराबर है, आप जो है वो अगर आपने कोई कागज़ उसकी फ़ोटो लेनी भी हो ना तो उसको जो कहेंगे कि जी आप 1000 रुपये दे दें, नहीं 100 रुपये कम अज़ कम दें, फ़ोटो हो जाएगा। इसको बोलते हैं मसला ज़फ़र, ये असल में ये भी खारिजी चीज़ है। मैंने आपको बताया कि मसलत के ताबे जो चीज़ें होती हैं ना, उनकी कुव्वत और जो उनकी कमज़ोरी है वो बड़ी मौसर होती है। तो तस्वीर जो है वो बुनियादी तौर पर अगर ये सद्दे ज़राए की किस्म से है, ताकि तस्वीरों के ज़रिए से लोगों की अजमत पैदा होकर फिर उनकी पूजा ना हो, तो फिर ये अगर मसलत कवी हो तो ये हलाल हो जाती है। जैसे कि आपको बताया है, अच्छा बाकायदा सहाबियात बच्चों को साथ ले जाती बेचारी और उनको जो है वो रुई के परिंदे बना देती, ये सारी वो चीज़ें हैं। असल में सारी बात जो है ना वो ये है कि वजह हुरमत जो है वो सदे दरिया है, ये असल दाखली वजह हुरमत नहीं, दाखली वजह हुरमत जो होती है ना वो बाकायदा नस के अंदर की चीज़ है, और जो सदे दरिया ये खारिजी चीज़ होती है। तो इसलिए तस्वीर के बारे में इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। देखिए एक बात है कि तस्वीर के दो पहलू हैं, एक है तस्वीर खींचना और एक है तस्वीर रखना। तस्वीर जो खींचना है उस अगर वो जो है वो सामने नहीं है हर वक्त तो उसके लिए कुछ जवाब है। मिसाल के तौर पर आपके यहाँ जितनी भी तस्वीरें हैं आपके मोबाइलों में या आपके कंप्यूटरों में महफूज हैं, ये जायज़ है, क्योंकि ये उस अक्स से मुशाबे हैं। लेकिन जब तस्वीर जो है वो सजा कर रखी जाएगी, जैसे घरों में लोग सजा लेते हैं, उसकी वजह से फिर रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता, वो सरी हराम है। तो अब इस बात पर आप गौर कर लें, मैंने तो जो बात बतानी थी आपको बता दी, इसका ताल्लुक ऐसे चूँकि उसूल फ़िक़्ह की बारीकियों से है, अब आपको जितना उसूल फ़िक़्ह का ज़ौक़ होगा उसके मुताबिक जो है वो आप इसको समझ जाएंगे। चलिए ये मसला भी जो है वो मैंने आपके सामने वाज़ह कर दिया। अब एक दूसरा मसला है जो कल पैदा हुआ था, वो ये पैदा हुआ था कि ये हदीस आई थी, बिस्मिल्लाह वो ये थी कि कुछ लोग मशरक़ की तरफ से आएंगे और कुरान मजीद का तो बड़ा अहतमाम करेंगे, लेकिन ये कुरान मजीद जो है उनकी हंसनी की हड्डी से नीचे नहीं जाएगा, मतलब ये दिल तक नहीं,
ये जो है ना असल मामला दिमाग और दिल का जो ताल्लुक है ना, जिसे शाहरग कैब रखती है, इसकी बड़ी अहमियत है। क्योंकि जेन जो है वो इन दोनों के ताल्लुक से जो है वो खुलता है। बल्कि अगर आप, मैं ये कहूँ, पैदा ही वहाँ से होता है, अल्लाह के पैदा करदा इस्बाब में से ही है। तो इशारा इस बात की तरफ है कि कुरान मजीद जो है, अगर तो इमाम बुखारी का मकसूद तो आपको पता है कि वो तो ये बता रहे हैं कि अल्लाह का कलाम होना और अल्लाह की मखलूक से मुतल्लिका जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम जो है वो मखलूक है। तो ये नुक्ता तो अब आपके सामने है, ये तो उमूमी नुक्ता है जो हर बाब में आ रहा है, लेकिन जो बाब की खसूसियात है उनमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग जो है वो मशरक़ की तरफ से आएंगे और कुरान मजीद को पढ़ेंगे, उनकी हंसली की हड्डियों से नीचे नहीं आएगा और वो दीन से यूँ निकल जाएंगे जैसे कि जो है वो शिकार में से तीर निकल जाता है, और बाद हदीसों में ये लफ्ज़ है कि उसके साथ खून का कोई ज़र्रा भी नहीं लगता। और फिर यह है कि ये तो असल में ज़ाहरी नस है, ज़ाहरी इबारत है। अब सूरत यह है कि असल ये लफ्ज़ जो है वो अहम है, यखरुजु नासु मिन क़िबलिल मशरिक़। भाई नास मारफ़ा है कि नखरा, मैं आपसे पूछता हूँ, मारफ़ा है कि नखरा नास, बताइए। तो देखो इतनी जो पहली बात है ना, नाब की पहली बात, इनको वो भी नहीं पता, इन्हें पहले बात में ये बात होती है नखरा और मारफा की। उसका वजह क्या है? हमारे यहाँ इजराब बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ तहसील फारूक बंदा हो जाता है, लेकिन इजरा बिल्कुल नहीं होगा। अगर इजरा नहीं होगा तो ना इलम कभी याद रहता है, तो ना कभी इलम मुफीद होता है। तो इसलिए सबसे बड़ा उस्ताद का जो काम है वो ये है कि इजरा करवाए। मैं अब आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये नास नकरा है। नकरा उसको बोलते हैं जिसका तय्यन ना हो। कौन लोग हैं भाई? इनका तय्यन नहीं है ना। चलिए एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि ज़रबनी रजुलुन, एक आदमी ने मुझे मारा, यह रजुल नकरा है ना। लेकिन एक चीज़ नकरा में भी मुतय्यन है, वो क्या कि एक है जो मर्द है और वो है एक, और उसने मारा। नहीं नहीं, उसका तायुन नहीं है सिर्फ, यानी मतलब उसका तायुन नहीं है, वैसे तशखीस नहीं है, आप जो कहिए उसको मुशख्खस नहीं किया गया, लेकिन है वो एक। इस हदीस का मफहूम जो है वो ये है कि कुछ लोग निकलेंगे और निकलेंगे मशरक़ की तरफ से। क्या मतलब है? सिर्फ एक दफ़ा की बात है, ये नहीं है कि अब जब भी कोई मशरक़ से निकल आए तो सारे के सारे जो हैं वो गंदे हो जाएं। भाई मशरक़ से तो हज़रत इब्राहिम की सकूनत ही मशरक़ में है, आपको पता है इब्राहिम असल का नाम नहीं है, इराकी हैं। अब हमारे माशाल्लाह उलमाए हदीस बड़ी ऊंची उड़ान है, असल में यहाँ से मुराद इराक है, लेकिन मुखालिफिन ने एक और उलझन डाल दी है कि असल में कई जगह पर लफ्ज़ नजद भी मौजूद है, और नजद कहते हैं ऊंची जगह को जहाँ टीले बहुत हों, जबकि तहामा जो है वो निचली जगह को बोलते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये सर में सारे के सारे वही हैं जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के नाम लेवा है, ये तमाम के तमाम वो निकलने वाले हैं मशरक़ से। असल में पता बात क्या है, ये फ़िरकाबंदी की वजह से ये उलझने पैदा हुई हैं। हम कहते हैं जी आल राय जो हैं ये भी मशरक़ से थे, कूफा मशरक़ में है ना, हम कहते हैं आल राय जो है वो भी मशरक़ से थे। नहीं लेकिन एक बात समझिए कि वो तो मशरक़ से आए, भाई क्या उस इमाम बुखारी का बड़ा ही प्यारा उस्ताद, नहीं अहमद बिन हम्बल छोड़िए, इब्ने भी शैबा,
ये भी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, ये भी कूफा के हैं। और यही वजह है कि सबसे पहला राज जिसने किया अबू हनीफा का, वो इब्न अबी शैबा ने किया है। इसलिए ना यहाँ असल जो वजह है ना, असल बुनियाद वो ना यहाँ मशरक है और ना यहाँ हर वो शख्स जो मशरक से आए। इसलिए कि जो नकरा होता है उसके अंदर तकरार नहीं होता। मतलब आप कहें जी ज़रा बनी ना जरूर, इसका माना यह नहीं है कि जो भी आदमी सामने आ जाए वही जो है वो मारने वाला है, ये नहीं होगा। इसका माना होगा कि मुझे एक शख्स ने मारा है, अगर चाहे वो गैर मुतय्यन है, गैर मुतय्यन है। तो इसलिए नकरा के अंदर तादुद नहीं होता। माना यह है कि वाकियातन ऐसा होगा और होगा एक ही दफा। वो क्या है कि इस मशरक की तरफ से जो है वो कुछ लोग ऐसे आएंगे जो जज्बाती ज़्यादा होंगे, अकल के थोड़े होंगे और दीन की समझ उन्हें नहीं होगी, बुनियादी दीन की समझ। तो जज्बात के अंदर आकर जो है ना वो फिर गड़बड़ पैदा करेंगे, मुफ्ती आदम बन जाएंगे, जैसे हमारे कई मुफ्ती आदम बने हुए हैं ये सोशल मीडिया पर तहकीक के बगैर। तो इसीलिए नबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को भेजा, कहा कुरान मजीद ज़्यादा पेश ना करना, कुरान मजीद में तो बड़ी वसत है, कोई ना कोई राह निकालेंगे, तुम ज़्यादा वहाँ अहादीस पेश करना। इसलिए कि अहादीस में किसी हद तक तय होता है, लेकिन वो भी बड़े तेज़ थे, उन्होंने हदीस को वैसे ही जो है वो मानने से इनकार कर दिया। तो इसलिए बड़ी ख़राबियाँ पैदा हुई हैं। मगर मैं बताना सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ मिन क़िबल मशरक में जो नास है ना, इससे मुराद कुछ लोग हैं जो गैर मुतय्यन हैं, अगरचे इनका इनके औसाफ का तय्यन है। वो जो हदीस है ना, इन्ना मिन ज़ै हादर रजुल, वो जिसने अल्लाह के रसूल से कहा था कि आप अदल नहीं करते, इंसाफ नहीं करते, तो मैंने आपको क्या बताया था वहाँ कि उसकी इसकी नस्ल से बनाते हैं, हालांकि खारजी उसकी नस्ल से नहीं है। खारजियों का इतना थोड़ा वक्त है कि उसकी नस्ल से इतने लोग हो ही नहीं सकते। मिन ज़ै ज़ै से मुराद है कि इस जैसे, जैसे ये शख्स इसने जो है वो अपनी रद्देमल के अंदर जो है वो अल्लाह के रसूल को तो ये गाली है कि आप इंसाफ नहीं करते, इसीलिए अल्लाह के रसूल को गुस्सा आया है कि अगर मैं इंसाफ नहीं करता तो और कौन करेगा। आप तो गुस्से की हालत में भी इंसाफ करते हैं और आपका गुस्से की हालत में फैसला भी मोतबर है, जबकि किसी और का मोतबर नहीं है। तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि नासुन से मुराद जो है वो एक गैर मुतय्यन चीज़ तो है, लेकिन इसके अंदर तादुद नहीं है। तादुद इतना है जो लफ्ज़ में मौजूद है। नासुन का माना कुछ लोग, उनकी तादाद कितनी हो वो यहाँ तादाद का जिक्र नहीं है। इसलिए कि नासुन नकरा होने के अतबार से यहाँ जैसे कौम, कौम भी की भी तादाद नहीं होती, इस तरह जो ये नास जो है ना, ये असल में अलम जिन्स है। वो अभी नया मसला पैदा हो जाएगा, अलम जिन्स क्या होता है, यानी ये एक जिन्स का नाम है, इंसान की जो जिन्स है ना उसका नाम है नास। वहाँ मुझे कहेगा या अय्युहन नास, ए इंसानों। ये बात जो है ना एक ही दफ़ा का वाक़िया है और ये लोग निकलेंगे। इसलिए ये जो नस है, नस होने के अतबार से तो ये सिर्फ एक वाक़िया है, लेकिन मुशाबत की बुनियाद पर यही औसाफ जो गलत औसाफ हैं अगर किसी और आदमी में पाए जाएँ तो वो आदमी भी इन जैसा होगा। इसलिए हमारे यहाँ बसा औकात जो है वो हर जज्बाती आदमी को जो कम इलम हो और ज़्यादा फतवेबाजी करे उसे कहते हैं तू तो खारजी मालूम होता है। ये असल में मुशाबत है, ये नस के अतबार से उसमें शामिल नहीं है, ये मुशाबत के अतबार से जो है उसे कहा गया है कि तू खारजी है। तो और इनकी ख़ास अलामत भी बताई
इनकी अलामत असल में यह है कि ये सर मुंडाते हैं, और एक लफ्ज़ जो है वो रवायत में बड़ा ख़तरनाक आ गया है, वो ये आ गया है तशबीद। बाज़ यानी रावी ने कहा है कि मुझे उस्ताद ने जो है वो जो रवायत दी है शेख ने, उसके अंदर उनकी अलामत तहलीक होगी, वो सर को मुंडाएंगे, या कहा कि वो उनकी अलामत जो है वो तशबीद होगी। अब तशबीद क्या होती है? माशाल्लाह जब ऐसी बात हो ना, थोड़ा सा थपकी दे दिया करेंगे। हाँ, ये माशाल्लाह जब सोचते हैं तो इनको आंखें बंद हो जाती हैं जी। तशबीद ये होती है जी, ये अजदाद में से है, अजदाद में से। जब सर मुंडाया जाए और बाल निकलने शुरू हो जाए तो इसको बोलते हैं तशबीद। मुंडाने के माने भी इसमें हैं और बाल निकलने के माने भी हैं। चूज़े के जब पर निकलते हैं ना, और वो पर थोड़े से पहले तो बहुत कच्चे होते हैं ना, फिर बाद में पके हो जाते हैं, उसको भी तशबीद कहते हैं। असल में जब इंसान का ज़हन जो है ना, इंसान उसके ज़ाहिर और बातिन से वाकिफ ना हो, सिर्फ ज़ाहरी उसकी हाल देखकर जो है वो इंसान ज़ाहिर को सब कुछ बना दे, जैसे कि हमारे यहाँ इनसे मिलते वो ज़ाहरी भी ऐसे होते हैं क्योंकि हिकमत के वकायल नहीं हैं ज़ाहरी। तो अब सूरत हाल जो है वो ये है कि ये आदमी जो है ना, ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी एक चीज़ पर कायम नहीं रहते। मैं आपको इसकी एक मिसाल बता देता हूँ। खवारिज के इतने टुकड़े हुए हैं, इतने टुकड़े हुए हैं आपस में लड़ लड़ कर, और एक वाक्य आपको सुना देता हूँ, वो आपको शायद याद रखने में माविन होगा। मौलाना मौदूदी के इब्तदा में तो मौलाना मौदूदी से लोग इतने ज़्यादा मुतासर हुए कि मरूब हो गए, और तमाम बड़े बड़े दानिश्वर अहल इलम जो है मौलाना मौदूदी के साथ शामिल हो गए। अबुल हसन नदवी जैसे लोग, मंजूर नौमानी जैसे लोग, अहल हदीसों में बड़े बड़े मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन जैसे लोग, और भी बड़े बड़े लोग मुतासर हो गए। लेकिन बाद में फिर ये लोग निकल गए, और इनका जो आखिरी ग्रोह निकलने वाला है ना, वो है अमीन हसन इसलाई और डॉक्टर सार वगैरह, ये आखिर में निकले हैं। 1941 में जमात इस्लामी में शामिल हुए, और 1957 के अंदर 16 साल के बाद ये निकले हैं ये लोग। तो हुआ ये कि उसके बाद इन्होंने बड़ी कोशिश की निकलने वालों ने कि हम एक जमात बना लें, लेकिन खारजी मिजाज ऐसा होता है, जो इतलात वाला मिजाज होता है ना, वो कभी किसी के साथ गुजारा नहीं कर सकता। मेरे एक बेटे का यही हाल है, ना वो अपने भाइयों के साथ गुजारा कर सकता है, ना अपने बाप के साथ। अब बताइए क्या हो, जो ना भाइयों के साथ गुजारा कर सकता है ना बाप के साथ, वो क्या करे? एक ही सूरत है। चलिए छोड़िए, इसलिए कि 16 के बाद निशानदेही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो असल में जो बात है ना, वो ये है कि ऐसा आदमी जो होता है ना, वो क्या है, मैं पहले वाकया पूरा कर लूँ। 1967 के अंदर मज़ीद 10 साल बाद ये लोग जो है वो शायद बहावल नगर में इकट्ठे हो गए, तमाम के तमाम निकलने वाले, और इस बात पर इकट्ठे होकर जो है इन्होंने आपस में जो सोचा कि भी हम एक जमात बना लेते हैं, इसलिए कि मिशन तो हमारा ठीक था लेकिन मौलाना मौदूदी ठीक नहीं थे, इसलिए अगर हम उनसे अलग हो गए तो मिशन तो नहीं छोड़ना चाहिए। उनमें ख़ास तौर पर डॉक्टर सरार जो थे ना, ये बड़े ज़हीन भी थे और फ़ाल भी बहुत थे। ये बड़े अगर थे छोटे थे लेकिन ये भी बड़े सरगर्म थे, और भी लोग बहुत से थे। मौलाना मौदूदी को किसी ने बताया को मौलाना बड़ी परेशानी की बात है, बड़ी परेशानी की बात है। क्या भाई, क्या परेशानी की बात है? वो जो सारे इकट्ठे हो गए हैं, जो आपके मुखालिफ थे तमाम इकट्ठे हो गए हैं। अब मौलाना मौदूदी ने एक लफ्ज़ कहा है, वो लफ्ज़ ये कहा कि खारजी कभी इकट्ठे नहीं होते। क्या मतलब इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे रहेंगे नहीं? यही हुआ, हर एक ने अपनी अलग मस्जिद बनाई, आपस में दो मिले ही नहीं कभी। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये तशबीद का लफ्ज़ जो है वो
ये जो सर मुंडाते हैं इसकी वजह क्या है? सर मुंडाने की असल वजह यह है कि जब इंसान जो है ना ज़हनी तौर पर ज़्यादा परेशान रहे, और ज़हनी तौर पर परेशान कब होता है? फतवेबाजी में तो जल्दी करे, और उसके बाद जो है वो हर एक से टूट जाए, हर एक से टूट जाए। तो ये ज़हन के ऊपर परेशानी भी होती है और ज़हनी दबाव का भी ये बाइस बनती है। जब ज़हन के ऊपर परेशानी हो और ज़हनी दबाव बढ़ जाए तो सर में जो सिकरी है ना वो बहुत पैदा होती है। तो इसलिए सर में सिकरी पैदा होने की वजह से फिर ये जो है वो हमेशा बाल थोड़े से भी पैदा हों तो सिकरी जो है वो तंग करती है, तो फिर ये सर मुंडा के रखते हैं। ये उनके सर मुंडाने की वजह है। और तस्बीद जो है वो भी इसी बात की तरफ इशारा है, बाल छोटे से उगे फिर मुंडा लिए, छोटे से उगे फिर मुंडा लिए, इसलिए कि सिकरी का इलाज ही है बार बार मुंडा। अच्छा, एक इसका और भी एक मफहूम पेश किया गया है तस्बीद का। लुगत में इसका इस्तेमाल जो है वो ये है कि सर को तेल ना लगाना। नहीं, आपको ये बताऊं कि ये जो हजामत की जो उस तरह से जो हजामत की जो ज़रूरत पैदा होती है ना, ये उस शख्स को पैदा होती है जो सर में तेल ना लगाए, इसलिए कि मशीन से तो ये सिकरी जाती नहीं है, ये उस तरह जो है ना ये उसको भी उसको साफ कर देता है। और उसकी बड़ी वजह ये होती है कि एक आदमी ज़्यादा सोचो विचार करे लेकिन तेल इस्तेमाल ना करे, तो इसलिए तस्बीद के माने तेल ना लगाने के लिए। ये लफ्ज़ जो है मैंने आपको इसका लुगवी मफहूम बयान कर दिया है। चलिए जी, अब मैंने आपको एक बात ये बतानी है, लेकिन आपको मैं अब बताता हूँ ज़ाहिरियों की आदत। हमारे यार दीस की ज़ाहिरियत जो है उसकी मिसाल ज़रा मुझसे भी आप ले लें। आपको ये बताऊँ कि हमें हदीस में सिर्फ एक मिसाल मिलती है कि कलमा तौहीद के साथ जो है वो उंगली उठाइए। एक मिसाल मैं इबादत की दे रहा हूँ, इसके अलावा मिसाल मौजूद है। वो लड़की जिसका सर कुचल दिया गया था और वह नज़ा के आलम में थी, अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अल्लाह कहाँ है? नहीं, वो एक और के बारे में, वो एक और लौंडी के बारे में है, लौंडी के बारे में है। अच्छा, उससे पूछा कि अल्लाह कहाँ है, उसने उंगली यूं कर दी। ये क्या है? ये तौहीद की तरफ इशारा है। अहल हदीसों से तकलीद तो गई और ज़ाहिरियत इतनी आई कि अब इनकी समझ मत जो है वो मारी गई। और मैं समझता हूँ कि असल में ये अहल हदीस जो है ना, ये असल में बिल्कुल वही मिसाल है कि जो समझदार उलमा है वो जाते रहेंगे और उसके बाद जो है वो कम इलम वाले लोग उनकी जगह पर बैठेंगे और फिर वो ख़ुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। आम तौर पर आज के मुफ्ती जो हैं वो अक्सर ऐसे हैं। बाकी अल्लाह ताला ने हुज्जत तो कायम करनी है, ख़त्म तो कोई भी नहीं होता, इसलिए इल्ला मन शा अल्लाह इल्ला मा शा अल्लाह, तो कोई ना कोई रहेगा ही जो हुज्जत कायम करेगा। मैं आपको अब ये मसला जो अहले हदीसों ने लिया तो असल में शेख अल्बानी से है, हालांकि शेख अल्बानी दोनों चीज़ों के कायल हैं। वो उंगली उठाने के भी कायल हैं और उठाकर हिलाने के भी कायल हैं। असल में बात यह है कि अल्लाह ताला जब किसी शख्स को कोई बहुत बड़ी खूबी देते हैं ना, उसके साथ ही एक कमज़ोरी आ जाती है। शेख अल्बानी इतनी बड़ी खूबी के हामिल हैं कि आप इस दौर में उन जैसी याददाश्त का हामिल, अच्छा किसी उस्ताद का शागिर्द नहीं है, किताबों से सीखा सब कुछ, इसीलिए वो किसी को सनद नहीं देते थे। मैंने भी सनद मांगी तो जो उनका शागिर्द बैठा हुआ था वो बेचारे बीमार थे, शागिर्द कहने लगा कि ये सनद देते नहीं। उसकी वजह यह है कि शेख अल्बानी को उस्ताद है ही नहीं, कैसे ऊपर लेके जाएंगे सनद। हाँ, तो सनद में तो ये होता है कि फलां के साथ मेरा ताल्लुक है। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि शेख अल्बानी ने एक गलती खाई है। वो गलती यह खाई है कि लफ्ज़ आ गया एक हदीस में जो हर रे को हो, कि अल्लाह के रसूल जो है वो जब उंगली उठाते थे ना
तो इसको हरकत देते थे, जो हरे को हावी है, दाब हा भी है। अच्छा, बाद रिवायात में ये अल्फाज हैं और बाद रिवायात में यानी सहाबा के अंदर इख्तिलाफ है। अब्दुल्ला बिन जुबैर की हदीस में यह है कि आपने एक दफ़ा उठाई है, फिर नहीं, फिर हरकत नहीं दी। और एक से अभी कहता है कि नहीं, हरकत दी। मैं असल में आपको ये बताना चाहता हूँ, यखरुजु नासुन मिन क़िबलिल मशरिक, यहाँ नास से मुराद जो है वो एक ही दफ़ा का वाक़िया है ना। हमारे उलमा ग्रामर ज़ाहियों को ना ग्रामर की ज़रूरत होती है, उनकी नज़र बस जिस तरफ चले जाए हदीस के अल्फाज ऐसे आ गए हैं। उन्होंने इस बात को पकड़ लिया है, हालांकि शेख अल्बानी दोनों चीज़ों के कायल हैं। उन्होंने कहा इससे जवाब निकलता है शेख अल्बानी की गलती इसलिए कि जो एक बहुत बड़ा मार्का था कि अशहदु अल्ला, देखिए जरा देखिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के अंदर तो एक ही है। वैसे तो चूँकि उसूल फिका के अंदर जब ये इस तरह के काम होते हैं तो उनकी मिसालें जब तक ना मिले उस वक्त तक वजह भी वाजे नहीं होती, लेकिन हदीसें इतनी मौजूद हैं कि इसकी वजह हदीसों में मौजूद है कि ये असल में तौहीद की तरफ इशारा है। तो जब तौहीद की तरफ इशारा है तो सवाल यह कि तहियात के अंदर तौहीद का कलमा है कौन सा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा तौहीद है? हाँ भी है कलमा तौहीद, उसका साथ जुड़ जाए फिर तो हर अमल ही तौहीद है, फिर तो हर चीज़ तौहीद है। लेकिन वो तौहीद जो जिसको बिताकत, जिसे बिताकतुल जन्ना कहते हैं, वो अशहदु अल्ला इलाहा भी नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह है। इसीलिए इसमें आज मैं वो मैं बताना ही चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का जो है वो हसर के साथ इकरार करना या दुआ करना और यह शहादत देनी, ये चीज़ जो है ये पूरी तशहुद के अंदर एक ही दफ़ा है। और वो किस पर है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह के बाद गिरा दो। वाशहदु अन्ना मुहम्मदन पर अगर आप बाकी रखेंगे तो इसका माना यह है कि मोहम्मद भी एक ही है, एक ही रसूल है और एक ही बंदा है। हालांकि ये बात गलत है, मगर चूँकि ज़ाहियों को ये बात समझ नहीं आती। अब गलती कहाँ से लग गई है? और जी बाद रिवायात में काना युहर्रे कुहा है, भाई काना युहर्रे कुहा जो है ये बार बार के लिए नस नहीं है, ये ज़ाहिर है, ज़ाहिर ही चूँकि ज़ाहिर के कायल हैं। इसलिए हदीसों में बहुत दफ़ा आता है काना यफ़ालो, काना यफ़ालो, मुराद उससे एक दफ़ा होता है। इसीलिए उसूल फ़िक़्ह में एक उसूल है कि फ़ेल का तकरार जो है इसके लिए अलग दलील चाहिए। लेकिन ये ज़ाहिरों को बात इसलिए नहीं समझ आती कि उसूल तो उन्होंने पढ़ना ही नहीं होता। उन्होंने अगर उसूल पढ़ना है तो वो उस फलसफी इब्न आज़म का पढ़ना है जिसके तमाम के तमाम उसूल मंतिक फलसफा पर मबनी है, लेकिन हिकमत का वकायल नहीं है। हालांकि मरारत और हिकमत जो है उसके अंदर पहली बुनियादी मंतिक फलसफा है। चलिए वो बात दूर चली जाएगी। मैं कहना ही चाहता हूँ कि असल में हमारे यहाँ जो बातिन शरीयत के बातिन की जो मार्फत ख़त्म हो गई है ना, जो अल्लाह ताला ने इब्न तैमिया को वगैरह को दी थी, मैंने इब्न कय्यम का इसलिए नाम नहीं लिया कि सारे शागिर्द हैं, शागिर्द फिर भी शागिर्द ही होता है, उस्ताद उस्ताद ही होता है। इब्न तैमिया के मुकाम तक कोई भी नहीं पहुँचता, ना इब्न कसीर ना इब्न कय्यम। तो कहने का मकसद असल में ये है कि इसके लिए मैंने वैसे तो एक मज़मून लिखा था, लेकिन मैंने अपने एक बेटे को जो मैं उसको बड़ी कोशिश करता हूँ, वह ज़ाहिर से निकले लेकिन वो निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मुझे उसका ख़तरा था कि यह अगर किसी से मुतासर हो गया तो ये ज़िद्दी है। मैंने अपने बच्चों को जो है वो ये फौजी ट्रेनिंग के लिए भेजा था,
बाद बच्चों को, उनमें मेरा एक पोता भी था, मेरा एक नवासा भी था। उनको जब मैंने ट्रेनिंग दिला दी तो मेरा बेटा मुझे आकर कहता है कि मैंने भी ट्रेनिंग के लिए जाना है वो नेक, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ। मैंने कहा बाप नहीं इजाजत देता। उसने कहा वो आपका पोता भी ले आया है और नवासा भी ले आया, आप मुझे इजाजत नहीं देते। मैंने कहा बात है, हर एक के हालात के मुताबिक इजाजत होती है। मैंने उसे ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन वो माशाल्लाह परहेजगार है इसलिए रुक गया, वरना वो आज जो है वो दुनिया में ना होता। मैं आपको बताऊं, क्योंकि माशाल्लाह इन लोगों के पास जो आदमी ज़रा सर उठाने वाला हो ना, उसका एक ही इलाज है, बॉर्डर से आगे भिजवा दो उसको। चलिए जी, मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है कि कम से कम चलिए मेरे शागिर्द जो हैं वो तो समझ लें कि ये मसला जो है ये क्या है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े उलमा, उन्होंने अपनी तालीम सलात में यही कहा है, यही लिखा है। हाफिज़ अब्दुल्ला मुहद्दस रोपड़ी, सैयद नज़ीर हुसैन, हाफिज़ अहमद गोंदलवी, तमाम के तमाम कहते हैं कि उंगली तौहीद कलमा तौहीद पर उठाओ। लेकिन जब से वो शेख अल्बानी का असर आया ना यहाँ, शेख अल्बानी फन हदीस के अंदर जो मुकाम रख सकते, लेकिन फन हदीस का भी एक हिस्सा, और वो मैं आपको उस वक्त बताऊँगा। ये जो मजमून आप लिख रहे हैं ना, माशा थोड़ी सी थपकी दे दें, जो मजमून लिख रहे हैं, जब आप मजमून मेरे पास साथ आएंगे मैं आपको बताऊँगा कि शेख अल्बानी की जो है वो एक हिस्से के अंदर जो खुदा दास सलाहियत थी ना, वो उनकी दूसरे हिस्सों में कमज़ोरी का बाइस बन गई। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि शेख इब्ने बाज बेचारे नबीना थे, अगर फतवा लेना है तो शेख इब्ने बाज से लो, और अगर हदीस की तहकीक सीखनी है तो शेख अल्बानी से सीखो। क्या फ़र्क है? शेख अल्बानी को अल्लाह ने आंखें भी दी हुई थी, याददाश्त भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन शेख इब्ने बाज से अल्लाह ने आंखें ले ली, इसलिए वो बेचारे जो सुनते थे ना, बाकी तो उनके पास गौर करने का वक़्त था, तो सुनकर जो गौर करने वाली बात है ना, इस वजह से वो एक मुकाम ले गए हैं। इसलिए कि फतवा जो है वो सुनकर उसको लागू करने की बात होती है, और वो गौर व फिक्र का मोहताज होता है। इसलिए जो शेख इब्ने बाज का मुकाम है ना फतवे में, वो शेख अल्बानी का नहीं है। हमारे यार हदीसों की मुसीबत यह है कि ये शेख अल्बानी के पीछे ज़्यादा चले गए हैं, लेकिन चूँकि ये फ़िरका है इसलिए इसके जो फ़िरका वाराना मसाइल हैं उसमें ये शेख अल्बानी से सुलह नहीं कर सकते भी। अगर आप ज़्यादा चले गए पीछे तो ज़रा सोने के जेवर को भी आराम करें, फिर औरतों के मुंह भी नंगे कर दें, ताकि माशाल्लाह आज इश्क मुआश के जो हैं वो खुले होकर चले। हाँ, फिर तो ये ज़रूरत ही रहो माशाल्लाह कि जो बाकायदा जो है वो कहीं लड़कियों को जो है वो पढ़ाने वाली, इसकी भी ज़रूरत ही ना पड़े। जब खुले आम हो गए बात, फिर जिससे माशाल्लाह फतवा पूछने के लिए आए तो माशाल्लाह वो भी मौजूद है, और हाँ जी फतवा भी लग जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ जी, तो बस अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। आज मैंने आप मसला वाजे हो गया वैसे कि असल बात यह है कि मैं अपने बच्चों को बहुत कहता हूँ कि काश के इनके अंदर दलालत और इस्तदलाल जो है उसका इजरा हो जाए, इनको मशक हो जाए, क्योंकि इज्तिहाद यही है, दलालत और इज्तिहाद, दलालत और इस्तदलाल, वो असल में लफ्ज़ों के पीछे बहुत जाते हैं और लफ्ज़ों के पीछे जाना चाहिए, ये ज़ाहिरियत है। इसमें अभी तो माशाल्लाह एक ही बेटा ज़रा आगे है, लेकिन बाकी जो है उनके अपने अपने रुझानात हैं, लेकिन बाप की तो ये ख्वाहिश होती है ना कि मेरी सारी की सारी औलाद बन जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्नी जायलुक लिन्नासे मामा काला व मिन ज़ुर्रियती काला ला यनालु हद्दिज़ ज़ालिमीन। इब्राहिम ने कहा जी मेरी औलाद भी सारी की सारी जो है वो उसको भी दीन की इमामत दे, क़यादत दे। कहा नहीं, ज़ालिमों को नहीं मिलेगी। ये हमारे वालिद साहब कहा करते थे, सारे कहते एक बेटा उनका बिगड़ गया, बाद में फिर अल्लाह ताला ने उसको इतनी हिदायत दी कि वो मिसाल बन गया। कहा कहते हैं मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं, उसके बारे में मेरी दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन उनकी फौत होने के बाद इतना पक्का वो
जो है वो दीनदार बना के उसके बाद ज़िंदगी भर वो दीनदारी की मिसाल रहा, अल्लाह के पास चले गए। मुझसे 5 साल बड़े थे, तो मैं बताना समझ चाहता हूँ कि वमिन ज़ुर्रियती के अंदर ये है कि सारी औलाद नहीं होती, इसलिए मैं ख्वाहिश तो मेरी यही है कि मेरी सारी औलाद जो है, लेकिन बात यह कि अल्लाह ताला युखरजुल हय्या मिनल मय्यत व युखरजुल मय्यत मिनल हय, युलजुल लैला फिन नहारे व युलजुन नहारा फिन लैल। असल में अल्लाह का निज़ाम और है कि जो आलिम होते हैं उनकी औलाद में जो है वो ऐसे भी होते हैं जो बेइल्म होते हैं, और ख़ास तौर पर वो बेइल्म जो अपने आप को आलिम समझें वो आते हैं ज़ल्लू फ़ाज़ल्लू में, वरना जो अपने आप को बेइल्म समझे ना उसको हिदायत हो जाती है, लेकिन जो बेइल्म होकर अपने आप को आलिम समझे वो उनमें शामिल होता है। वाज़ल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला क़ल्बिही व बसरिही, हाँ जी कैसे है, अफ़राइता मन इत्तख़ज़ा इलाहु हवाहु व अज़ल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समिही व क़ल्बिही वजअला अला बसरिही ग़िशावा फ़मन यहदीहि मिन बादिल्लाह अफ़ला तज़क्करून। चलिए जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबी। शुक्र है कि मैंने आज घंटा पूरा कर लिया।